बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद इरफान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राजनपुरी बकरी फार्म। आज का जी हमारा टॉपिक है बकरी को लगी रिक, मोक और मोशन का इलाज, जिसे हम रिक भी कहते हैं अपनी ज़बान में, मोशन भी कहते हैं। तो जी ये एक देसी टोटका है और इसका बहुत ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट है। ये हमारा आजमाया हुआ फार्मूला है। ये जी इस्तेमाल शुदा चाय की पत्ती है जी, हम अपनी बकरी को खिलाएंगे तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह उम्मीद है 3 से 4 घंटों में इसका रिज़ल्ट आ जाता है। और बकरी की मोक और मोशन जो है, जो सीजनल इसको चारा ज़्यादा खाने की वजह से लग जाती है, तो वो इंशाल्लाह 2-3 घंटे में बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। इसके साथ आप नो स्कोर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और डायरबान पाउडर होता है वो भी अब बाहिसाब वज़न, जिस्मानी वज़न के हिसाब से वो उसका शेड्यूल दर्ज होता है उसके ऊपर, वो भी आप इसको खिला सकते हैं, जिससे बकरी की मोक रिक या मोशन ख़त्म हो जाते हैं। ये जी खिलाएं इसको। ये जी हमारी बकरी है, इसको मोक लगी हुई है तो ये देखें ये खुद ब खुद खा जाएगी, क्योंकि ये इस्तेमाल शुदा चाय की पत्ती होती है, इसमें मीठा भी होता है और इसमें दूध का भी असर होता है, तो मीठे की वैसे ही बकरियाँ बहुत शौकीन होती हैं, तो ये सारी खुद ब खुद खा जाएगी, तो इंशाल्लाह एक ही दिन में ये रिकवर हो जाएगी, इसकी मोशन और इसकी रिक रुक जाएंगी। चाय की पत्ती की जी तासीर ठंडी होती है और ये खुश्क तस्वर की जाती है, तो ये खुश्की की वजह से और अपनी ठंडी तासीर की वजह से चाय की पत्ती बकरियों की रिक मोशन को रोकने में बहुत अहम किरदार और जल्दी असरअंदाज होती है। वीडियो देखने का जी बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।